से तो उसमें कोई भी मास डिजॉल्व किसी पर्टिकुलर लिक्विड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, मैं तो उल्टा यूं बोलूंगा, छोड़ो इस बात को, हेनरीज लॉ को देखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ इस चैप्टर का मूल कंसेप्ट था, यानी कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी जो हमने कल किया, और आज इसका सेकेंड हाफ खत्म करेंगे। ठीक है, हेनरी लॉ में मैंने आपको बोला कि आप इस लॉ को याद करने के बजाय आप सीधे ही याद रखना क्या चीज, कोक, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, उसमें क्या किया हमने, याद है, कार्बन डाइऑक्साइड डाली पानी के अंदर और उसको ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके मिक्स कर दिया। प्रेशराइज करके मिक्स करने का मतलब साफ हो गया कि हमने उसके अंदर क्या किया, ये देखो हमने उसके अंदर क्या किया, मिक्स किया कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ भी वापस आऊँगा इन चीज़ों पर, लेकिन एक एप्लीकेशन के तौर पर इसको बोलूँगा। सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स में मैंने क्या किया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊँगा, ये पहले वेट एक है, फिर वेट दो, फिर वेट चार पाँच, ठीक है, जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अच्छी तरह डिजॉल्व हो रही है पानी में, और क्या बन रही है, कार्बोनिक एसिड। फिर जैसे ही मैं इसके ढक्कन को खोलता हूँ तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर कम कर दिया तो ये गैस इससे छूट के भाग जाएगी, यानी क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही बढ़िया मास डिपॉजिटेड, मास डिजॉल्व होएगा, हेनरीज लॉ। अगली बात सुनो, टेम्परेचर के साथ क्या होगा बताना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब सुनो इसका क्या मतलब हुआ, मान लो हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर धूप में पड़ी हुई है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से अलग होगी, और वो अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर भी देखा जाए गैस लॉ के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के साथ वो गैस एक्सपेंड भी करेगी तो बॉटल के ढक्कन पे जोर मारेगी, या तो ढक्कन खोल देगी ठीक हो जाएगा, या बॉटल ही टूट जाएगी। बात समझ आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि ये गैस डिजॉल्व होना कम हो जाएगी एट हायर टेम्परेचर। इसी पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मान लीजिए ये जो हमारा एक्वेरियम रखा हुआ है नीचे, ठीक है, एक्वेरियम में क्या है, मछलियाँ हैं, देखो इधर ये आ गया आपके पास एक्वेरियम, ये देखना ये एक्वेरियम है हमारे पास नीचे, और ये देखो मछली थोड़ी स्माइल भी कर रही है, आपको स्पार्क्स में मछलियाँ, मछलियाँ स्पार्क्स का ट्रेडमार्क में स्माइल, तो मछलियाँ स्माइल भी कर रही हैं। अच्छा, ओहो मछली चली गई कहीं। हाँ जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर तो इसमें पानी है, पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी से मछलियाँ जो हैं ऑक्सीजन इनटेक करती हैं, ठीक है, थेके? और थोड़े दिनों बाद, अब मान लो कोई भी है, ये अपना यशुधोज था, एक घड़े में सुंदर सी दो तीन मछलियाँ इसको दिख रही थी, घर ले गया, तीसरे दिन इनको खिलाता भी रहा, रज के खिलाया इसने, उसके बावजूद तीसरे चौथे दिन मछलियाँ मर गई, ठीक है। इसने पूछा, सर ये क्या हुआ, मैंने कहा भाई तूने पानी नहीं बदला, तो या तो पानी में मोटर लगा दे ऑक्सीजन के लिए प्रेशराइज करके, या रोज़ एक मग इसमें से बाहर निकाल दे पानी का, एक नया डाल दे, तो उससे ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होती रहेगी फ्रेश वाटर की। लेकिन हमारे यहाँ एक्वेरियम में हमने क्या किया, एक वो लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर लगा दिया, और साथ में यहाँ एक छोटा सा ऑक्सीजन मीटर रख दिया, उससे हमने ऑक्सीजन प्रेशराइज करके पानी में डिजॉल्व करनी शुरू कर दी। अब पानी में डिजॉल्व करनी शुरू कर दी तो क्या हुआ, इस पूरे पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है 0.018% या कुछ ऐसा होगा पर लीटर। लेकिन जितना मैं बढ़िया प्रेशर लगा के करूंगा उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व होगी प्रेशर करके, यानी मास डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज K। लेकिन जो केमिस्ट्री है उसमें हम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना बढ़िया, और इसके हम कॉन्स्टेंट को बोलते हैं हेनरीज कॉन्स्टेंट। तो फार्मूला ये भी सही है, फार्मूला ये भी सही है, लेकिन हम फार्मूला कौन सा पिक करेंगे, दूसरे वाला, ठीक है, ये वाला हम न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ करते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाला। अगली बात आ जाती है, ये ही नहीं, इवन हम समुद्र के अंदर क्या, हमने ये ऑक्सीजन मीटर लगाया होता है, फिर क्या होता है समुद्र के अंदर, क्या होता है, आपने यहाँ फ्लोरीन और पानी F2 और वाटर, ये एच इसको
इससे इलेक्ट्रॉन छीनता और H2 बन के उड़ जाता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? फ्लोरीन कितना है? चार। H तो छोड़ो, ये ऑक्सीजन जो तीन है, दो इलेक्ट्रॉन खा के बैठा था, इसने फ्लोरीन ने बोला है मेरे से कमज़ोर आदमी दो इलेक्ट्रॉन खा के बैठा हुआ है, क्यों ना मैं इससे इलेक्ट्रॉन खाऊं। फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खाएगा, HF बनेगा और O2 बना के उड़ेगा, और जब समुद्र के नीचे से ही O2 उड़ेगा, डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट अर्थ के क्रस्ट में अगर देखा जाए तो वो ओर्स हैं जिनके पास फ्लोराइड्स हैं, और वो उसके साथ जुड़ेगा और उड़ जाएगा, और उड़ते उड़ते पानी से, यहाँ से ऑक्सीजन उड़ते उड़ते पानी में मिक्स हो रहा है। ये कारण है कि पूरे पानी में, समुद्र में जाके हमें मोटर नहीं लगानी पड़ती ऑक्सीजन की, अपने आप पानी आ जाता है उसमें, अपने आप ऑक्सीजन आ जाती है उसमें। बच्चे बात एकदम क्लियर है? बहुत ही शानदार चीज़ है ये, ठीक है, हेनरीज लॉ। अगला सुनते हैं, एक और। हमने सांस ली, सांस ली, नाइट्रोजन भी इनटेक की, ऑक्सीजन भी इनटेक की। नाइट्रोजन जो कि बहुत ही कम डिजॉल्व होती है, आओ वो भी देखते हैं अब कितनी डिजॉल्व होती है। देखो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, ये नाइट्रोजन है। देखो हीलियम कितनी डिजॉल्व होती है, 0.009 पर लीटर। नाइट्रोजन 0.015, एटलीस्ट हीलियम से दुगनी लगभग। हाइड्रोजन भी उतनी लगभग हीलियम जितनी या नाइट्रोजन जितनी। ऑक्सीजन ठीक ठाक नाइट्रोजन से कितनी, लगभग कितनी, 20 times ज़्यादा, मोटा मोटा 20 times ज़्यादा डिजॉल्व हो रही है, 20 times। अब जब मैंने सांस ली तो इस सांस में अगर 1 liter या 10 liter मैंने ऑक्सीजन अपना एयर इनटेक की तो उसमें 7.8 तो नाइट्रोजन थी और 2.1 थी ऑक्सीजन, लेकिन वो जो 7.8 इनटेक की वो सांस के साथ वैसे ही बाहर आ गई अनडिजॉल्व्ड, किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं की। क्यों? ये देखो आपके पास नाइट्रोजन कितना है, डिजोल्यूशन कितना है, 0.015, लेकिन जो ऑक्सीजन थी वो उससे 20 गुना ज़्यादा सॉल्यूबल है, वो सॉल्यूबल हो गई अंदर, जो लिक्विड हमारी बॉडी में 65 से 80% पानी है, तो पानी में डिजॉल्व भी हुई, हीमोग्लोबिन के साथ चिपकी और हमारी बॉडी के आखिरी वेन तक गई ऑक्सीजन। अगर आप कभी यहाँ ऑक्सीजन मीटर लगाओ तो भी ऑक्सीजन पूरी आएगी, पैर के अंगूठे में लगाओ तो भी ऑक्सीजन पूरी उतनी आएगी। इसका मतलब साफ है, बाकी काम किसने किया, प्रेशर करने का, हार्ट ने। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट का काम करना, समझ मेरी बात? हार्ट क्या कर रहा है, प्रेशर, हेनरीज लॉ कर रहा है हार्ट। हार्ट प्रेशराइज करके उसको और मिक्स करके जगह जगह पहुंचा रहा है, जगह जगह पहुंचा रहा है ब्लड में मिक्स करके। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस हमारा इसी बेसिस पे चलता है, और जितनी पोलैरिटी बढ़ती जाती है उतनी सॉल्युबिलिटी और बढ़ती जाती है। और अगर आपने टेम्परेचर लगा दिया, तो जो तो पोलर सॉल्वेंट है, जो डिजॉल्व्ड है या सॉलिड है, वो क्या होता है, अगर आप उन्हें हीट करोगे तो क्या होगा, डिजोल्यूशन उनकी बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। नमक है, अगर आप उसे गर्म कर पतीले में पानी डालो, नमक डाल दो और हीट करो तो वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गैसेस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आप गैसेस की बात करो तो अगर आप गैसेस को गर्म करते हो तो पानी से अनडिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। बच्चे बात एकदम क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑफ गैसेज बट इंक्रीजेज इन केस ऑफ सॉलिड्स। अगला सुनते हैं एक और बात। तो क्या आ गया, मास डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो उसका यूनिट आएंगे, उसका कांस्टेंट आएगा के, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और वो क्या आ जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट। बच्चे बात एकदम क्लियर है? एक और, ये दो एप्लीकेशन थी, एक और डाइवर्स बेंड। ये देखो डाइवर्स बेंड क्या है, ये स्विमर जो है वो गया नीचे, हम ही जब स्विमिंग करने जाते हैं तो हमने क्या किया, सांस ली, और सांस में कितने परसेंट, 21% थी ऑक्सीजन और 70% तो थी नाइट्रोजन। अब मैंने सांस ली और समुद्र के नीचे चला गया, जब मैं समुद्र के नीचे जाऊंगा तो बच्चे पानी का प्रेशर, क्यों भाई, ये देखो जो इसमें तो प्रेशराइज्ड गैस है ही है, इस कंटेनर में तो प्रेशराइज्ड गैस है ही है, लेकिन मान लो पानी यहाँ 100 liter नीचे चला गया मैं, या 100 meter या 100 कोई भी यूनिट्स, 100 meter नीचे चला गया पानी में, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी होती है, 13.8, इससे इसको रिलेट करके इतना प्रेशर मेरे ऊपर और लग रहा है, यानी प्रेशराइज करके वो जो मैंने
सांस लेके मैंने पानी के नीचे गया था, मेरे नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर तो प्रेशर जा ही रहा उसको दबाने के लिए, इतना प्रेशर और चला गया। और धीरे धीरे हुआ गया, जबरदस्ती हमने नाइट्रोजन को हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन तो मिक्स होके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर गई, लेकिन नाइट्रोजन भी मेरी बॉडी के अंदर मिक्स हो गई प्रेशराइज करके, प्रेशराइज करके नाइट्रोजन में मिक्स हो गई। जब नाइट्रोजन गई तो डिजॉल्व तो उसने होना नहीं है, जगह जगह पहुंचा दी हार्ट ने फटाफट, जगह जगह पहुंचा दी। अब जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा तो नाइट्रोजन मेरे बॉडी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जब बाहर निकलने की कोशिश करेगी, नाइट्रोजन बड़ी है, बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो धक्का मारेगी पूरी वेन्स में, धक्का मारेगी तो उसके कारण क्रैम बेंड्स आ जाते हैं और ऐसा लगता है। और अगर ये धक्का मोटे बबल के कारण है और हार्ट के पास है तो ये हार्ट चोक भी कर सकता है, यानी बंदों की हार्ट अटैक से ही मौत हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन डिजॉल्व नहीं हुई हमारी ब्लड में, मेटाबॉलिज्म में, और वो बाप। अच्छा अब उल्टा, अब क्या हुआ, मान लो ऊपर से मैंने सिलेंडर लगा लिया, एक एयर का सिलेंडर लेके मैं नीचे चला गया, सिलेंडर में तो और मैंने प्रेशर से गैस भरी होगी, ऊपर से नीचे भी चला गया समुद्र के नीचे, तो मेरे को सांस नीचे जाके अगर मैं उससे लूंगा तो मैं गया। अब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन, अब हम इसमें क्या भर देंगे नाइट्रोजन की जगह, थोड़ा हीलियम। हीलियम क्यों, क्योंकि हम ऊपर आएंगे तो हीलियम छोटा पार्टिकल है, वो वेन्स को बिना डिस्टर्ब किए बाहर निकल जाएगा। एक दूसरी बात, आप अकेले ऑक्सीजन क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि नीचे जाके ब्लास्ट भी हो सकता है। ऑक्सीजन क्या है, प्रेशर कितना सहन करेगी कितना नहीं पता लगा, बंदे को भी साथ ही ले गया ऑक्सीजन। तीसरी बात, जो शिप्स होती हैं, पहली बात जब आप डाइव करते हो तो आप जाओ बेशक तेज़ी से जो मर्जी, लेकिन जब बाहर निकलो तो धीरे धीरे निकलो, नहीं तो आपने देखना कई बार हम डाइव मारते हैं तो जो लोग स्विम करते हैं ध्यान रखना, जब हम डाइव मारते हैं तो बाहर आते हैं, अगर हम अचानक बाहर आ जाएँ तो हमारी आंखों में हर जगह रेड हो जाएगी आंखें एकदम, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एकदम बाहर निकलने की कोशिश करेगी हर जगह से। लेकिन अगर आप धीरे से आओगे थोड़ा सांस छोड़ते हुए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन होके आएगी, इसका उतना असर नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप शिप में हैं, शिप में क्या होगा, एक अलग से चैम्बर भी बना होता है, तो आप नीचे से आए ऊपर, ऊपर आए जैसे ही तो एक चैम्बर बना होगा, उसमें 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, फिर उसको धीरे धीरे 4 पे करेंगे, फिर 3 पे करेंगे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर बाहर आ जाओगे। इसका मतलब हमने क्या किया, स्मार्टली प्रेशर कम करके बाहर आए। हाँ मेरी बात समझ रहे, ये था हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है खासकर एप्लीकेशन। फिर से ये एक आपके सामने एक 1x1 का पीस स्क्वायर एरिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर गैस फेंक दी H2 या N2 या O2। अब ये गैस जब मैं इसकी तरफ फेंकूंगा, बच्चे सुन लेना ध्यान से, तो ये कुछ एक हम ही मान लो, छोड़ो इस गैस गूस को छोड़ो, प्लस वन का टॉपिक है, मान लो यहाँ पे ये है ए से, कौन है यहाँ पे, अंशुल अरकांश, ये है अंशुल या अरकांश, ये अकेले हैं इस क्लासरूम में मान लो। अभी अभी क्या होगा, ये पागलों की तरह कभी यहाँ टकरा रहा है, कभी वहाँ टकरा रहा है, कभी वहाँ टकरा है दीवार पे, और अंदर ही टकराया जा रहा है लगातार। अच्छा जितनी जोर से टकराएगा ये क्या आ गया, फोर्स। फोर्स अगर पर यूनिट एरिया अगर आपने निकाला तो दैट इज प्रेशर ड्यू टू अंशुल। मान लो इसका वेट है 70 kg, 150 70 kg, तो फोर्स, फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन या मास इनटू ग्रेविटी, 70 × 9.8 इनटू एरिया। और अरकांश मान लो 80 kg, ये भी यहाँ पे प्रेशर लगा रहे, क्या आ गया प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू ओनली अंशुल इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, प्रेशर इन प्योर स्टेट। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ 2-4 लोग और आ गए, मान लो मैं भी आ गया, ये भी आ गया, मोहित की टांग टूटी मुझे लगता है, ये भी आ गया, ये कपूर अंशुल, अंशुल कपूर, ओ सॉरी अंशुल तो भाई है, अंशुल भाई है ना, चलो ये कशिश कपूर है, ये भी, और प्रेरणा भी, प्रिया भी है एक, सॉरी प्रिया जब जोर लगाएगी ना यहाँ पे तो 1 kg
सॉरी वो जीरो भूल गया, 10 kg इंटू 9.8, ये फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ मेरी बात समझ रहे? तो हुआ क्या, लगातार लोग जाके अब टकराने लग पड़े, ये 1, 2, 3, 4 ये लगातार लोग जाके टकरा रहे हैं और अब सभी के कारण यहाँ प्रेशर लगने लग पड़ा है। एंड दैट इज प्रेशर टोटल कितना हो जाएगा ड्यू टू अंशुल, ड्यू टू कोई और सी डी। मान लीजिए यहाँ पे इस रूम में मैंने लोगों की जगह कोई गैस दैट इज एक्स डिओड्रेंट छिड़क दिया, एक्स डिओड्रेंट मैंने जब छिड़का पूरी दीवारों से भी टकराया, पार्टिकल्स बीच में भी टकराया और जाके दीवार के साथ भी, तो फोर्स प्रेशर ड्यू टू एक्स पार्टिकल के हैं, फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर। अगला ब्रूट, एक और डिओड्रेंट छिड़क दिया ब्रूट, एक और सिगार, एक और डेनिम, मैंने डिओड्रेंट छिड़क दिए। ये जब जब अकेला था तो सिर्फ प्रेशर किसके कारण आ रहा था, एक्स के कारण, लेकिन जब बड़े सारे लोग आ गए तो प्रेशर किसके कारण आ रहा है, सभी के कारण। टोटल प्रेशर अगर ये आइडियल हैं, आइडियल कैसे होंगे, एक जाके टकरा रहा है, अंशुल जाके दीवार से टकरा रहा है, दूसरा बोल रहा है टकराने तो कोई बात नहीं, पहले वाला टकरा रहा है, एंड सो ऑन, एक दूसरे कोई मतलब नहीं, अगर अगर कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, तो दैट इज आइडल गैस। आइडल गैस है तो उनका पार्शियल प्रेशर जो है सबका सम करोगे तो वो उनका टोटल प्रेशर आ जाएगा। अच्छा पार्शियल प्रेशर उसके हिस्से का प्रेशर, अगर बड़े सारे लोग हैं तो अंशुल का हिस्सा कैसे निकालोगे, अंशुल के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सभी लोग जितने उनके नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर जितना लग रहा है टोटल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने किसी चीज़ का पार्शियल हिस्से का प्रेशर निकालना है तो उसका हिस्सा इनटू उसके हिस्से का प्रेशर इन ओरिजिनल स्टेट, दैट इज कॉल्ड रॉड्स लॉ, उसका हिस्सा। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास, पहले बताओ इतनी बातें समझ आ रही, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है अच्छा एक और बात, ये बात भी सुन लो, आइडल गैस का मतलब ये हो गया कि यहाँ जाके टकरा रही थी कोई गैस, ना तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एक दूसरे के प्रति कोई इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन मान लो हम नॉन आइडल हैं, मान ले मैं समझता हूँ कि तू ठीक बंदा है और तू दीवार से टकराने जा रहा है, लेकिन मैं तेरे को बोलूँ नहीं नहीं मत जा, क्या हुआ जितनी फोर्स तूने लगानी थी उससे कम लगाई, नॉन आइडल, प्रेशर उतना नहीं आया। अगर पार्टिकल के केस में देखें, कोई पार्टिकल जा रहा है टकराने के लिए, पिछले वाला उसको खींच लेता है कॉर्नर पे आके, तो वो क्या हो गया नॉन आइडल, जितनी फोर्स लगानी थी उतनी नहीं लगा पाया। उल्टा मान ले मेरी तरह से दुश्मनी है, तू टकराने जा रहा था उन्हें टांग फंसा के धक्का मैंने और दे दिया, क्या बोलता है क्या हुआ रिपल्शन, और जोर से जाके टकराएगा। इन दोनों केसेस में क्या हुआ, इंट्रैक्शन मीन्स रिपल्शन और अट्रैक्शन थी, लेकिन अगर कुछ भी ना हो तू जा रहा है तो जाता रहे, मैं अपना टकराऊंगा तू अपना टकराएगा, दैट इज आइडियल गैस। ठीक है अच्छा चलें आगे, अगला आता है मेन टॉपिक, टॉपिक में सुनिए ध्यान से और आराम से, मैंने क्या किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सारी बातें समझने के लिए कि क्या है चीज़ें, ये देखो मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, ये इसमें सीटी लगा दी। अच्छा सीटी की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपके मम्मी घर पे या मेरे मम्मी घर पे 1 लीटर का कुकर है, 2 लीटर का कुकर है और 5 लीटर का कुकर है, उन्हें सीटी नहीं मिल रही होती है, 1 लीटर वाले को 2 लीटर में लगा देते हैं अगर कंपनी सेम हो, 2 लीटर वाले को 5 लीटर में लगा देते हैं, ऐसा क्यों, और वो खाना भी ठीक ही बनता है। अनाहिता कुछ बताना चाहती है, बताओ फटाफट। हाँ जी और एक और, अच्छा सुनो ये देखो ये सीटी वाला आ गया आपके पास प्रेशर कुकर, और किसी की भी विसल किसी पे भी लगा सकते हैं, बताता हूँ वो भी क्यों। देखो ये पानी है, पानी क्या है बच्चे, ये आपके पास वोलाटाइल, मतलब पानी वोलाटाइल है, ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर वोलाटाइल है उड़ जाएगा, लगाओ जरा जोर यहाँ से एनर्जेटिक पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ एनर्जेटिक पार्टिकल की लड़ाई होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, 1 एटमॉस्फेयर से, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फाइट हुई तो ये ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा तो यहाँ जाके छत पे जाके टकराया,
पहली बात, जब ये आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन, अच्छा सुन लेना, ये क्या आता है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब आता है किसी भी चीज़ का, जब इसका उड़ने वाला पार्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर ले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर ले, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उससे अबव, उससे जस्ट अबव क्या होगा, ये उड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फिर ये जाके ऊपर चिपकेगा और चिपक के कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, पानी बनना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, तो बाकी जो पार्टिकल हैं वापस आके प्रेशर लगाने शुरू कर देंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। किस किस को ये बात समझ नहीं आई, क्लियर है? हाँ जी, फिर सुनो, आपने हीट किया, एनर्जेटिक पार्टिकल ऊपर उठे, ऊपर जोर लगा रहे हैं, जैसे ही इनका जोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, उसके बाद ये उड़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जब उड़ गए, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उड़ के यहाँ चिपकने लग पड़े, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो गया, तो बाकी बचे हुए वापस आके प्रेशर लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अच्छा सुनिए, टोटल प्रेशर इसमें विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बी तो है ही नहीं है, ए ही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या मैं यूं बोल सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट। अकेला पानी है, कोई और चीज़ है नहीं। अच्छा अगली बात, नेक्स्ट देखें, यहां पे मैंने क्या किया, अब दो चीजें डाल दी। इस बार कौन सी बच्चे, ए भी वोलाटाइल है और बी भी वोलाटाइल है, यानी कि शराब। ये देखो, ये मैंने एक अल्कोहल एक पानी, एक अल्कोहल एक पानी, बच्चे ये भी उड़ेगा प्रेशर लगाएगा, ये भी उड़ेगा प्रेशर लगाएगा। इस बार टोटल प्रेशर कितना हो गया, बोलो सभी, पी ए प्लस पी बी। और इस बार निकालोगे कैसे आप, पी ए कितना है बच्चे, इसके हिस्से का प्रेशर, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ये टोटल प्रेशर है। अच्छा बात अभी भी चलते जाएगी, नेक्स्ट, अगर दोनों नॉन वोलाटाइल हों, एक मरकरी एक नमक, अब ना ये उड़ेगा, उड़ेगा नहीं तो प्रेशर भी क्या लगाएगा, ना ये उड़ेगा, टोटल प्रेशर कितना आ गया, थोड़ी देर के लगा देता हूँ फिर बंद कर, पी टोटल कितना आ गया, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो। बच्चे बात ठीक चल रही, लेकिन अब वो पार्ट जो आपका सिलेबस में है, वो क्या है, आपने एक वोलाटाइल यानी पानी और एक नॉन वोलाटाइल यानी नमक, आपने हीट करना शुरू कर दिया, पानी अपने आप तो उड़ेगा ही उड़ेगा, लेकिन नमक नहीं उड़ेगा, और टोटल प्रेशर कितना आ गया इस बार, टोटल प्रेशर विल बी ओनली ड्यू टू वाटर, नमक के कारण कम है, लेकिन एक पंगा बढ़ गया है। वो क्या पंगा बढ़ा, जब पानी यहां उड़ रहा था तो ये इंडिपेंडेंट था, मजे से उड़ रहा था, तो प्रेशर इसका था पी ए नॉट, लेकिन इस बार क्या आप जानते हैं, नमक ने काफी सरफेस एरिया घेर लिया है, अपने आप तो उड़ नहीं रहा है, नीचे पानी को भी नहीं उड़ने दे रहा है, तो क्या आप जानते हैं इस बार पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है सिर्फ पानी है, उसके बावजूद ये नॉर्मल से कम हो गया, ड्यू टू नॉन वोलाटाइल नहीं उड़ने वाले नमकीन पार्टिकल, नमक के पार्टिकल के कारण। बच्चे क्या आप, और इससे हमने पूरा सॉल्यूशन चैप्टर इस लास्ट एग्जांपल पे करना है, लेकिन यहां आपको छोटी सी बात बीच में बताते हुए चलता हूं। जब दोनों वोलाटाइल हैं, अल्कोहल भी और पानी भी, बच्चे तो मान लो 0.5 मोल फ्रैक्शन था ए का, 0.5 मोल फ्रैक्शन था अल्कोहल का, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। मैंने 80 डिग्री पे जब हीट किया
तो क्या आप जानते हैं एल्कोहल के वेपर ज़्यादा उड़ेंगे? ये लगभग 0.6 मोल ऑफ बी कितने आ गए? 0.6, लेकिन मोल ऑफ ए क्या आप जानते हैं इन वेपर फेज 0.4 ही बन रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ ऐसे टेंटेटिव। ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि दो वोलाटाइल चीज़ें हैं वो आप डालोगे तो आपने बराबर बराबर मिक्स की, लेकिन उड़ती बार तो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उड़ेंगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो जल्दी उड़ेगा, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, उसको बोलते हैं वाई, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर। गुरलीन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? गुंजीत, पी ए अपॉन पी ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन निकाल देता है इन वेपर फेज ए कंपोनेंट के, और दूसरा निकाल देगा बी कंपोनेंट के वेपर फेज में, अगर दोनों वोलाटाइल हैं तो। अब आगे, अगर दोनों नॉन वोलाटाइल हैं तो, एक नॉन वोलाटाइल है तो, यानी कि ये एग्जांपल जो मैंने आपको बोला कि एक्चुअली एग्जांपल हमारा पूरी बुक में ये चलता है, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट। आइए, पहले ही पंगा क्या पड़ा, आपके पास एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, मान लीजिए और मान के लीजिए बात सही है, ये है पानी सॉल्वेंट, ये है नमकीन पानी सॉल्यूशन। आप मुझे बताइए 100 डिग्री या 373 पे पानी बॉयल हो जाएगा, किसको कितना प्रेशर होगा उसका? 1 एटमॉस्फेयर। बॉइलिंग पॉइंट अभी तो बताया मैंने आपको, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? लेकिन अगर ज़्यादा ही दूर चला गया, अगर नमक डाल दिया आपने, ये पानी गया, इसने क्या किया 100 डिग्री पे ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बना रहा है, लेकिन मैंने क्या किया इसमें नमक डाल दिया, नमक ने क्या किया अपने आप तो उड़ा ही नहीं, साथ में पानी को भी रोक दिया, तो कितना 100 डिग्री पे लेके गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा, कितना 0.8 रह गया होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं बोलूँगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। अब मुझे बताइए किसके कारण, जल्दी बोलो, अरे एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? आप ना कुछ ऐसा लग रहा है सो गए हैं। 1 माइनस XB इंटू, और इसको सॉल्व करके मैं देखूंगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, क्या आ गया बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, जितना प्रेशर आना चाहिए था उससे प्रेशर कम आ रहा है पर यूनिट टोटल प्रेशर के, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। किसके कारण हुआ, एक्स बी, जितना ये नमक ज़्यादा होगा उतना ये डिप्रेशन ज़्यादा होगा, लोअरिंग ज़्यादा होगी प्रेशर में। मैं आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चे बात एकदम क्लियर है? आप सुनिए जरा ध्यान से, बंद करना है, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी नंबर, तो बच्चे इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस किस को ये बात याद नहीं आ रही है, चलिए फिर आगे। एक और बात, ये आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन, बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी निकाल लेते हैं, दोनों को उल्टा किया, पी ए नॉट अपॉन, ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, चलो लिख लेते हैं, पी ए नॉट अपॉन, हाँ जी बच्चे लिखवाना, पी ए नॉट माइनस पी ए, पी ए होता है सॉल्यूशन का, कई बार इसको पी एस भी लिख देते हैं सॉल्यूशन में, और ये एन ए अपॉन, हाँ जी एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी, ये क्या आ गया 1, और 1 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट
माइनस पी एस, यार कर ही देता हूँ एक स्टेप, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया, एक स्टेप के चक्कर में पूरा बोलेंगे टॉपिक ही नहीं समझ आया। पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस माइनस वन एन ए अपॉन एन बी, बोलो जी क्या आ गया, लिखवाओ जरा फटाफट। पी ए नॉट, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी एस, ये कट गया, एन ए अपॉन एन बी। बच्चे फॉर्मूला याद रखना, दोनों को रिवर्स कर दो, अब क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन एन ए शुड बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ध्यान रखना ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, न्यूमेरिकल्स में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हैं दोनों ही, ये वाले को बोलेंगे हम, दोनों को यूज़ कर सकते हैं वैसे आप। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये है कितना कम हुआ प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग का मतलब विद रिस्पेक्ट टू किसके हुआ, इसके हुआ विद रिस्पेक्ट टू। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है, बात एकदम क्लियर है, सारी याद आ गई बात। एक और बात अगली भाई, सारी बात याद आ गई, किसी को कोई दिक्कत, इसी बात को आगे ले चलते हैं। ये आ गया हमारे पास एक और चीज, देखिए जरा इस ग्राफ को ध्यान से, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर मैंने क्या किया, ये है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री, और ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग, ये तो हमने निकाल लिया अपना वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट और ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम चाहते हैं नहीं, हमने उड़ाना ही उड़ाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा दिया और इसको 1 एटमॉस्फेयर, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया सॉल्यूशन का, मैंने इसको 1 एटमॉस्फेयर कर दिया। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा। फिर क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो नॉन वोलाटाइल, ये जो नमक है, नमक ये उड़ने नहीं दे रहा है पानी को, तो मैंने थोड़ा और जोर लगा दिया। और क्या आप जानते हैं, जितना ज़्यादा नमक होगा उतना जोर मुझे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब, हाँ जी बच्चे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी। और बच्चे कॉन्स्टेंट को बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, दैट इज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना। आपको मेरी बात समझ आ रही है, अब सुनिए ध्यान से, और ध्यान से सुनना बात। यहां मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, पहले बताओ ये बात क्लियर है एकदम, अरे बात एकदम क्लियर है, सुनिए यहां मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ये आपके पास है नमक, अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था बिना नमक के 100, एलिवेशन कितना हुआ है मान लो 1 डिग्री, तो क्या आप जानते हैं नया बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, जितना था प्लस जितना इंक्रीज हुआ कितना हो गया 101। अरे आपको मेरी बात समझ आ रही है, अरे बात समझ आ रही है, एक और सुनते हैं, सुनो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास अल्कोहल दे दिया जाता पानी की जगह, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते, लेकिन आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या आता, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 80 प्लस 1। ये एक बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि कई बार बॉइलिंग पॉइंट उनको पूछा जाता है, पहली गलती क्या करते हैं, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं और लिख देते हैं आंसर, और पहली ऑप्शन होती है। अरे आमिरी बात सुने कि ए बी सी डी ऑप्शन है, ए बी सी डी, पहली ऑप्शन होगी 1 डिग्री और वही आपका आंसर आया, ठीक है, थोड़ा बहुत टिक कर देंगे आंसर, ये मतलब कि डेल्टा डी बी, डेल्टा डी बी आपका आता है 1 डिग्री और पूछा है आपसे बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा आंसर आता है 101, आपने दिमाग लगा लिया, यस वो तो 100 में ऐड करते थे 101, और तीसरा आता है 81, और अगला आता है ध्यान से सुनना 200 या 1 केल्विन या 200 एंड समथिंग या 1 केल्विन,
बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना इस बात का। अब सुनो, अल्कोहल था, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 81, 80। तो उसमें एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आंसर तो आना है सी। लेकिन कई बार हमने क्या करना, फटाफट डेल्टा डी भी निकालना है, उन्होंने आसान आसान सी चीज़ें दी होनी है, वन आंसर हमने वो ही छाप देना है। दूसरी बात, थोड़ा सा याद रह गया तो कई बार पानी का ही याद रख लेते हैं कि 100 में प्लस करना है, 100 में प्लस करना है इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्वेंट अल्कोहल है तो आपने 80 में ऐड करना है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग। तीसरी बात, वन केल्विन नहीं, डिफरेंस, डिफरेंस अगर हो तो केल्विन हो सेंटीग्रेड हो कोई चक्कर नहीं है, यानी डेल्टा डी बी का यूनिट जो मर्जी हो, चाहे केल्विन हो चाहे वो सेम है। बट ये देखो ध्यान से, अगर कोई बोले 0 डिग्री से 2 डिग्री पे टेम्परेचर जा रहा है तो डिफरेंस कितना आ गया? 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप केल्विन में लिखोगे तो इसको लिखूंगा 273, ये अलग है, इसको लिखूंगा 275, ये अलग है, लेकिन इनका डिफरेंस देखो कितना है, 2। यानी कि डिफरेंस हमेशा उसमें मत केल्विन कहीं 273 जोड़ देना डिफरेंस में, इसमें 273 मत जोड़ देना कहीं इसमें, नो दैट इज डिफरेंस। अरे क्या ये बात एकदम क्लियर है? अगला चलते हैं। अरे क्लियर है, अगला चलते हैं, नेक्स्ट बोलो। हाँ जी, आपके पास ये आ गया RT स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, RT स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर बन रहे। अगली बात, ये तो आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन मैंने क्या किया, देखो सर्दी लगी हमें 0 डिग्री पे, हम जम भी सकते हैं, ठीक है, खून भी जम सकता है हमारा, लेकिन हमने क्या किया, कपड़े पहन लिए थोड़े से, स्वेटर मतलब पहले टी शर्ट पहनी थी, अब हमने जैकेट पहन ली, नॉर्मली गर्मियों में तो हम टी शर्ट पहनते हैं, अब हमने जैकेट फिर ऊपर से स्वेटर भी पहन ली। अब आप मुझे बताओ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल दिया, चल कोई नहीं, गर्मियों में मैंने कहा हमने टी शर्ट पहनी थी, अब हमने स्वेटर या जैकेट भी पहन ली, ठीक है। तो आप मुझे बताओ फ्रीज, कोई नहीं, टेम्परेचर 40-50 डिग्री से आता आता 0 डिग्री पे पहुँच रहा है, 0 पे हमने जम जाना था, लेकिन हमने स्वेटर स्वेटर पहन ली, तो अब जमने का थोड़ा क्राइटेरिया और नीचे चला गया, -10, -20 पे जाके भी हम मैनेज कर लेंगे, फिर हम कुछ और काम करेंगे, फिर और देख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमने अपनी बॉडी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसी कवर को ढक के डिक्रीज कर लिया। ये आपका पानी है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0, मैंने ऊपर डाल दिया नमक, बना दिया स्वेटर। अब जब इस पर ठंड लगेगी तो ये स्वेटर इसको शेल्टर भी तो करेगा, यानी कि अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, -10 या कुछ हो गया। दैट इज किसी सॉल्वेंट में जब आप कोई सॉल्यूट डालते हो तो वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को भी पीछे धकेल देगा। अच्छा, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? ऑरेंज कैंडी, कुल्फी जो होती है उसमें हल्का सा नमक डाला होता है। अब नमक क्यों डाला होता है? क्योंकि अगर ऑरेंज कैंडी को यूं ही फ्रीजर में रख दिया जाए वो 0 डिग्री पे जम जाएगी, और जैसे ही बाहर निकाल के हम खाने लगेंगे, बॉयज को तो खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बाजू में लटक जाएगी वो येलो कलर का, तो मुंह भी पहुंच लेंगे बॉयज, लड़कियां कर रही हो, हो सच्चाई यही है, ठीक है। लेकिन ये गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स आर सोफिस्टिकेटेड, तो बॉयज तो बेचारे चलो कोई बात नहीं, बॉयज तो खत्म होने लगी जब पिघलने ज़्यादा लगी तो बात खत्म, आमिर सोने। तो बॉयज़ के लिए नहीं, लेकिन गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स ने आराम से खानी होती है, फिर बड़े, फिर नैपकिन होता है उनके पास, फिर माल होता है, वो आराम से पहुँचेंगी। तो गर्ल्स के लिए क्या किया हमने, देखो सॉल्यूशन चैप्टर गर्ल्स के लिए, कि हमने उसमें नमक डाल दिया थोड़ा ऑरेंज कैंडी में, अब फ्रीज़र में रख दिया, जब हम फ्रीज़र में रखेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, 0 से और पीछे जाके फ्रीज़ करेगा। अगर वो 0 से और पीछे जाके फ्रीज़ करेगा तो उसका डी फ्रीजिंग टाइम भी तो बढ़ा दिया हमने, एक्चुअली हमने उसका टाइम स्पैन बढ़ा दिया पिघलने का, क्योंकि उसका फ्रीज अगर वो लेट होगा तो पिघलेगा भी लेट, और वो जो पिघलेगा लेट उसके लिए जो 1 या 2 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिल गया, 3 मिनट, तो लड़कियों को आराम से कुल्फी खाने, लड़कियों के लिए किया हमने, बॉयज़ की चिंता मत करो आप, बॉयज़ तो कोई चक्कर नहीं, जैसे मर्जी खा लेंगे, वो तो टूट जाए तो फिर हाथ में भी खा सकते हैं, बॉयज़ को टेंशन नहीं है। गर्ल्स के लिए ये सारी मेहनत, जो सॉल्यूशन चैप्टर जो आपको समझाया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो गर्ल्स की फेवर में, हाँ मेरी बात समझे, बॉयज़ आपकी मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं। ते आगे नेक्स्ट आता है बच्चे, अच्छा हमारे पास ये आ गया फ्रीजिंग, और इसके लिए सिंपल वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, जितना ज़्यादा नमक डालोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इस बार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड होना है हमने, ठीक है। एक और बात है, यहाँ पे के कई बार यूँ दे रखा होता है फॉर 100 grams, तो उसको के को चेंज कर लेना, 10 times K भी कर लेना, जो भी चीज़ दी होगी। अगला आता है बच्चे आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी वैसे ही है जैसा आपका नॉर्मल प्रेशर, PV = nRT है, जैसे गैसेस में होता है, वैसे इसमें V को नीचे ले आओ, CRT पाई इट इज प्रेशर, और कौन सा आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बच्चे। इन जनरल ये मान लो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ कौन नॉर्मली यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ मान लो लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो नॉर्मली हाई कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को जाती हैं। नॉर्मली आप एक ज़्यादा नमक वाला पानी लो, एक कम वाला लो, दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के चक्कर में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो तो सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ को जाते हैं। बच्चे मेरी बात समझ आ रही है, फिर समझो इसको बात को, फिर समझें कि ऑस्मोसिस ये आपके पास है, ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन हाई थी C2 और C1 में लो थी। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ये गया, ये जा रहे हैं पार्टिकल्स, लेकिन अब ये आपके पास आ गया प्रेशर इसके कारण। लेकिन उल्टा अगर मैं उसको वापस सुनना इधर समुद्र में, अब एक बात बताओ, सी के अंदर कोई शिप में हम कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पाइप तो नहीं ना ले जा सकते पानी के लिए कि चलो जी चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों की पाइप पहुंचा दी हमने पानी पीने के लिए, प्राइमरी वाटर, सेकेंडरी वाटर एंड टर्शियरी वाटर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें समुद्री पानी पीना पड़ेगा। अब समुद्री पानी में दो प्रॉब्लम है, एक तो खारा होगा, नमक होगा, और दूसरा कोई काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए ठीक ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले वाले केस के लिए क्या करेंगे, समुद्र से पानी निकालेंगे, खारा पानी है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई हाई, और लो कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब क्या होगा, हाँ जी सुनिए इधर, ये क्या आ गया सी वाटर, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को जाना शुरू कर दिया पार्टिकल ने, और ये लगा दिया प्रेशर, दिस इज प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, पहले तो ये ऊपर को चला गया, लेकिन हमने क्या किया उल्टा वापस इसके ऊपर उल्टा प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, मुझे प्योर वाटर मिलना शुरू हो गया, दैट इज RO सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर वापस। फिर सुनो कोई बात नहीं, ये है आपके पास सी वाटर, मैंने सी वाटर लिया, होना क्या था, यहाँ सिंपल वाटर था, नेचुरली सिंपल वाटर ने यहाँ आना था लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन, और प्रेशर लगाना था ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन हमने क्या किया रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा प्रेशर लगाया और पीने वाला पानी, ये होती है शिफ्ट में मशीन। उसके बाद हम इसे बॉयल भी कर सकते हैं, डिस्टिल भी कर सकते हैं, और हम और प्योरीफायर लगा के उसको और प्योरीफाई कर सकते हैं जिससे वो पानी पीने लायक बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब शिप के अंदर ऐसी ऐसी मशीनें लगी होती हैं जो 1 घंटे में 5 लीटर, 1 घंटे में 50 लीटर, 1 घंटे में 500 लीटर पानी को ट्रांसफ़र कर देती हैं सी वाटर टू नॉर्मल वाटर। आपको मेरी बात समझ आ गई, इसका मतलब ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है, आपको मेरी बात समझ आ गई। अगला चलते हैं बच्चे, ये आ गया आपके पास, हाँ जी ये भी याद रखना, इसमें क्या होता है बच्चे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अगला आता है बच्चे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सारे थे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर लगाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, आई लगा देंगे करेक्शन के लिए। जैसे याद है PV = nRT था आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन उसने रियल गैस के लग क्या था P + AN² / V² तो नहीं था कहीं, और V - NB
ये करेक्शन लगा दी थी हमने आइडल गैस में, क्योंकि काफ़ी पार्टिकल्स में इंट्रैक्शंस थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब आइए, हमारे पास सुंदर डायग्राम भी बने हैं लेकिन हम अपने वाले ही बनाते हैं, ठीक है? आपको तो हमारे से अच्छे क्या बनाएंगे, ठीक है? ये देखिए, मैं यहाँ पे दो तरह के डायग्राम बना रहा हूँ और दो में दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन और एक एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एक एजियोट्रॉप्स। आराम से सुनते हैं बातें। आपके पास मोल फ्रैक्शन पानी का एक है मान लो, और हमने उसमें डाल दी शराब और उसका मोल फ्रैक्शन है जीरो। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वेपर, वेपर यानी प्रेशर, वेपर प्रेशर। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और यहां पे फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ठीक है बच्चे, हुआ यूं ये 0.75, ये 25, ये 0.5, ये 0.5, ये 0.25, ये 0.575, ऐसे ही यहां पे पहली बात बताना जरा मुझे, प्योर पानी अगर 80 डिग्री होगा टेम्परेचर तो प्योर पानी के वेपर क्या होंगे, 1 एटमॉस्फेयर हो जाएंगे, और अल्कोहल के 1 एटमॉस्फेयर हो जाएंगे, अल्कोहल होगा 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन ये भी 0.8 पे ही अटका होगा। लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 100 डिग्री पे या 1 एटमॉस्फेयर पे बात करें, एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, पानी के केस में बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, अल्कोहल के केस में बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आप देख रहे हो ग्राफ उल्टे सीधे, यहाँ पे अल्कोहल का ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, यहाँ पे अल्कोहल का ग्राफ नीचे से शुरू होगा, यानी कि दोनों कभी बराबर नहीं होंगे क्योंकि हर एक का वो अलग अलग है। अगली बात, होना ये चाहिए चाहे आप इतना मिक्स करो, अगर ये आइडियल हैं, अगर ये आइडियल हैं तो टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए था, पी ए, हाँ जी, पी ए प्लस पी बी, लेकिन ऐसा तो रेयर होता है। अच्छा, होना भी क्या चाहिए था, पानी का कॉन्ट्रीब्यूशन पहले मैक्सिमम होना चाहिए था, फिर इतने परसेंट होना चाहिए था, फिर इतने परसेंट, फिर इतने परसेंट, फिर इतने परसेंट, और ऐसे अल्कोहल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे मैक्सिमम इतने 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 ऐसे, यानी इस स्टेज पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए था, इस स्टेज पे कुछ ऐसा होना चाहिए था, एंड सो ऑन। इधर भी ऐसा ही है, इसको यूं होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली वैसे तो आपको मैंने ना चैप्टर एट ग्लांस कहा है आपका सॉल्यूशन का। नेक्स्ट सुनिए, हमारे पास ये था वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, फिर क्या आता है बच्चे हमारे पास, अब पता लगा बरवाल ने क्या खुंदक निकाली। हाँ जी, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अगर ये आइडियल हैं तो बच्चे इनका टोटल प्रेशर सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं दीवार के साथ टकराने जा रहा हूँ तो कोई मुझे रोके या धक्का ना दे, कोई ना कोई रोकेगा जरूर, और कोई ना कोई, हमारी इंसान की फितरत ही ऐसी, ऐसे एलिमेंट्स की भी ऐसी फितरत है। अगर अच्छा, होना क्या चाहिए था आइडियल के लिए, टोटल पी टोटल शुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो डेल्टा एच, अगर कोई दो आप चीज़ें मिक्स करो तो उनमें कोई मिक्सिंग के टाइम ना एसोसिएशन होगी ना रिपल्शन, कोई सॉल्यूशन दो मिक्स करो तो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, एक का एक लीटर मिक्स किया, एक का एक लीटर मिक्स किया तो वो 2 लीटर होगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है आइडियल के लिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अब इनमें केस में एसोसिएशन होने लग पड़ी, अगर एसोसिएशन होने लग पड़ी, मान लो मैं दीवार की तरफ जा रहा हूँ टकराने के लिए तो यीशु मुझे पीछे से खींच लेगा, दैट इज केस ऑफ एसोसिएशन। अगर ए ए से ए बी की इंटरेक्शन बढ़ जाए तो बच्चे दैट इज केस ऑफ एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होगी तो दीवार पे टकराएंगे कम, उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम नॉर्मल से, लेकिन पहुंच ओरिजिनल वहीं रहेगा, क्यों, ओरिजिनल में तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए ओरिजिनल वही रहेगा, डिप कर गया।
इसका मतलब टोटल प्रेशर नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंट्रैक्शन के केस में, एंड पी ए प्लस पी बी इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन पी टोटल। और डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग अगर एसोसिएशन है तो हीट इवॉल्व होती है। वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग अगर एक लीटर एक का, एक लीटर एक का है तो दूसरे का 1.99 लीटर होगा। क्या ये बात एकदम क्लियर है? अगला, इन केस ऑफ रिपल्शन, मान लो मैं दीवार के साथ टकराने जा रहा हूँ, यीशु ने यही खुंदक निकालनी है संडे की, तो इसने धक्का मार देना मेरी तरफ, ठीक है, धक्का मारेगा तो हम जोर से टकराएंगे, जोर से टकराएंगे मतलब प्रेशर नॉर्मल से एक्सीड कर गया। अगर प्रेशर एक्सीड कर गया तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोर देन एक्सपेक्टेड। अरे आपको मेरी बात समझ आ रही है? डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग, एक लीटर एक का लिया, एक लीटर एक का लिया, बच्चे ये 2.01 होएगा, लेकिन होगा ज़रूर, बढ़ेगा ज़रूर, पॉजिटिव डेविएशन। बच्चे बात एकदम क्लियर है? इसके आपको एग्जाम्पल याद करने बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंड पेज पर अगर आप देखोगे तो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं याद करने, क्योंकि एग्जाम्पल ही एंट्रेंस टेस्ट में आएंगे। ग्राफ भी ये बने हुए हैं, क्लियर है? तीनों ग्राफ मैंने यहाँ एक में बना दिए। अब अगली बात क्या होती है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये भी वही है एजियोट्रॉप, लेकिन ये किस केस में है, बॉइलिंग पॉइंट। आप मुझे बताएं, अब मान लीजिए एक अल्कोहल है और पानी है, पानी में नॉर्मली मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती हैं और अल्कोहल में 3। अल्कोहल यहाँ पे 80 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, पानी 100 डिग्री पे, तो ये पानी है, ये अल्कोहल है। नॉर्मली क्या होना था, इनका पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिप होना था, इसका थोड़ा बढ़ना था। हाँ मेरी बात समझ रहे? तो एक बात, पहली तो ये डिप होना ही था, ठीक है, तो ये कितना रह गया, ये 353 है, तो 351 तक आ गया। और ये डिप इसका शो करते हैं कि इतना नीचे आ गया ये, एक किसी पर्टिकुलर चीज़, दिस इज कॉल्ड क्या चीज़ हुई, नॉर्मल क्या हुई, रिपल्शन। रिपल्शन हुई तो वेपर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। वेपर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। वेपर ज़्यादा होंगे लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। ध्यान से सुनना, ये मिनिमम ग्रीन वाला बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, लेकिन है ये पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि डेविएशन जो है दैट इज ऑफ वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई चीज़ जल्दी बॉयल हो रही है तो उसके वेपर ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखना इन दोनों ग्राफ्स को, सामने सामने बता रहा हूँ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करता है और उसके केस में वेपर, और उल्टे होते हैं, जिसके वेपर ज़्यादा बनेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट डिप करेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगली बात, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों बोलते हैं इनको, क्या आप जानते हैं, जितनी मर्जी बॉइलिंग कर लो ये सेपरेट नहीं होंगे। शराब देखो, शराब को मान लो विस्की है 42.7%, आपने पानी डाला, उसमें सब कुछ डाला और उसको डिस्टिल करना शुरू कर दिया, क्या आप जानते हैं विस्की जाएगी लेकिन 42.7% पानी के साथ मिक्स होकर डिस्टिल होकर हम इसे कंडेंस करके पीना शुरू कर देंगे। फिर उसको मैंने फिर रखा, फिर मैंने उसको 80 डिग्री पे बॉयल किया, फिर वो 42.7 जाएगी, वो अलग नहीं हो रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे अलग नहीं होते, उनको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उनकी रेशियो वही रहती है। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है? अगला, हाँ जी, एक और, अगर मैं इसमें HNO3 डाल दूं, HNO3 जो इसमें H ज्यादा है, इसमें H कम है, इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 के आसपास है, लेकिन जैसे ही दोनों कंबाइंड होंगे ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और इनका बॉइलिंग पॉइंट 120 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि एक में जो कमी है दूसरे में वो ज़्यादा है, दूसरे में जो कमी है वो एक में ज़्यादा है, अल्टीमेटली ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट एसोसिएशन बढ़ने से, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लेकिन नेगेटिव डेविएशन। बच्चे मेरी बात समझ आ गई, नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स।
बच्चे आपको मेरी बात पूरी समझ आ रही है? पक्का कुछ ना कुछ? फिर सुनो, अगला आता है बच्चे वेंट ऑफ फैक्टर। अब वो जो ये डेविएशंस आ गई ना, अब इनकी करेक्शन करते हैं। करेक्शन किसने की बच्चे? एबनॉर्मल मासेस की, वेंट ऑफ ने। आइए ज़रा वो बात करते हैं। डिसोसिएशन भी हो रही है, एसोसिएशन भी हो रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर ये बच्चे जैसे हमने आइडल गैस इक्वेशन में करेक्शन लगाई थी, ये भी आई करेक्शन है। और मैं बोलूँगा कॉम से रिप्रेजेंट कर दो। कॉम आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मासेस, कॉम, या उल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई अगर वन है तो सॉल्यूशन क्या होगा? आई अगर मोर देन वन है तो इट इज केस ऑफ डिसोसिएशन। आई अगर लेस देन वन है इट इज केस ऑफ एसोसिएशन। अगला अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा बच्चे? आई माइनस वन अपॉन नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन माइनस वन। अल्फा एसोसिएशन आई माइनस वन अपॉन वन बाय एन माइनस वन। कोई बात नहीं, क्या चीजें हम पता करते हैं। केस वन 100% डिसोसिएशन का केस है। लेट सपोज 100% डिसोसिएशन का केस है। NaCl यानी अल्फा कितना हो गया? 100 अपॉन 100 वन। NaCl अगर डिसोसिएट करेगा तो Na पॉजिटिव और Cl बनेगा। 100 वन माइनस अल्फा 100% डिसोसिएशन है। ये पूरा टूट जाएगा, ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा। कितने आयन बन रहे हैं? दो मोल बनने कितने चाहिए थे? आई कितना आ गया? जितना आ रहा है और जितना आना चाहिए था, टू। इस फॉर्मूले में पुट करो, अल्फा कितना है बच्चे? 100% आई माइनस वन अपॉन नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन माइनस वन। कितना आ गया आई? अरे कोई है? केस टू, अगर नॉट 100% अल्फा कितना आ गया? अल्फा ही। अब NaCl विल डिसोसिएट टू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। 100 वन माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? कितने आने चाहिए थे? आई वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया? अल्फा कितना आ गया? अरे वन माइनस क्या जी, कुछ गड़बड़ होगी? कोई बात नहीं, ये लीजिए अल्फा कितना आ गया बच्चे? आई माइनस वन। किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मूले में पुट करो बच्चे, फॉर्मूले में पुट करो। अल्फा कितना है? अल्फा ही। सीधे फॉर्मूले में पुट किया, अल्फा नॉट 100% तो अल्फा रहने दिया। आई माइनस वन नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन माइनस वन। क्या ये बात एकदम क्लियर है? अच्छा केस थ्री, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। के फोर एफ ई सी एन सिक्स कितने आयन टूट रहे हैं? चार के और एफ ई सी एन सिक्स में, हाँ जी बच्चे माइनस फोर। मुझे ऐसा क्यों लगता है? अल्फा कितना आ जाएगा? अब सीधे बोलो, आई माइनस वन अपॉन नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन कितने हैं? क्या आप जानते हैं आपके पास अल्फा आ गया? लेकिन क्या आप जानते हैं डिसोसिएटेड
ये एसोसिएटेड का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली हम सोच रहे थे कि आंसर 58.5 के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन आंसर जो है वो 23 या 35 के हिसाब से आ रहा था। दैट इज कॉल्ड कि एबनॉर्मल मॉलिकुलर मासेस। एबनॉर्मल आना चाहिए था ये मॉलिकुलर मास, आ रहा था ये एबनॉर्मल। दूसरी बात, इन केस ऑफ एसोसिएशन भी आना चाहिए था 60 मास, लेकिन ये जुड़ जा रहे थे। इट इज केस ऑफ एसोसिएशन। अपेयर कितना हो रहा है? 120। दैट इज केस ऑफ एसोसिएशन, इतना अपेयर हो रहा है। तो क्या आप जानते हैं इसमें भी यही पंगा, अल्फा इज इक्वल टू, अरे आपको मेरी बात समझ आ रही है? नोट करें इसको, नोट करना है कि किया हुआ है, उसमें लिखा होगा कहीं। और क्या आप जानते हैं ये अल्फा अगर निकालना है तो आई आई कहाँ से निकल सकता है? जितने आपके पास रूल हैं, ये देखो, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, शाबाश, आई लगा दो, डेल्टा टी भी आई इंटू, हाँ जी बच्चे के, वेरी गुड। आप इनसे आई निकाल सकते हैं और वहाँ पुट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रखा है, वहाँ से आई निकालो और यहाँ पुट के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मास निकाल लो। ये न्यूमेरिकल है सारे आपके, उसमें ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने बॉइलिंग पॉइंट तो बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 पानी के लिए प्लस वन, फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस वन, और 0 फिर पानी के लिए है। इसी के साथ ये तो ख़त्म हो गया, और लॉग एंटी लॉग तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं।